फाइनली गाइस पकड़ लिया, इसने कहा कि ना दोबारा वीडियो स्टार्ट कर। वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। तो गाइस चलें आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली इतने दिनों बाद मेरा व्लॉग फिर से आ चुका है। आप सबको तो पता है कि सर्दियों का महीना चल रहा है, तो अब सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा, तो हमारी छत पर ना अब इस टाइम कोई परिंदे मुर्गा वगैरह नहीं है, क्योंकि सर्दी इतनी है कि हमने रखी नहीं। इस दफ़ा सर्दियाँ भी बहुत बड़ी है। पिछली वीडियो में आपने देख, सबसे जो पिछली मेरी सर्दियाँ थी ना, उसमें हम अपने मुर्गों को सही कवर करते थे, लेकिन अब सर्दियाँ ज़्यादा हो बढ़ रही हैं, तो इसलिए हमने अपने सारे मुर्गे सेल कर दिए, और बीच में से हमारे काफ़ी नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा हमारे मुर्गे मार गए। तो इस दफ़ा हमने ना कबूतर भी रखे हैं सर्दियों में, तो कबूतरों को भी ना बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं। पिछले दिनों में हमारे कबूतर भी बहुत ज़्यादा मर गए हैं, देखें कबूतरों के लिए हमने ये नया केज बनाया माशाल्लाह। ये देखें, ये अंदर सारा केज बना हुआ है लकड़ से, और काफ़ी बड़ा पिंजरा है ये देखें, और ये नीचे इसके ईटों वाला पिंजरा है जो हमारा ब्रीडिंग सेटअप है, और ये हमारा फ्लाइंग वाला है, इधर सारे उड़ने वाले पड़े हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यार है, और ये अंडों पे ऊपर बैठी हुई है। और हमारा जो वफादार है, वफादार तो आपने देखा होगा, उसने फिर से अंडे दिए थे ना, उसके बच्चा निकलाया था। ये देखें, ये माशाल्लाह हमारे वफादार का बच्चा है। और इधर हमने लाइटें भी लगाई हुई है कि अंदर थोड़ी सारी हीट हो जाए, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं इस दफ़ा, और सर्दियाँ हाथ से ज़्यादा पड़ी हैं। इधर हमने प्लास्टिक लगाया हुआ, और इधर अब कपड़ा। तो गाइस अभी मैं आपसे ये बात कर रहा था कि वो सामने ना किसी का कबूतर आके बैठ गया। ये देखें, ये पौधों के बिल्कुल इधर, ये देखें, ये किसी का कबूतर आके बैठ गया। और हमारे इधर थोड़े सारे बिल्कुल खुले हुए हैं, ये थोड़े सारे कबूतर हमारे इधर खुले हुए हैं। ये इन्हों को उसके सामने करते हैं, शायद आ जाएं। जल्दी से हम अपने कबूतरों को उधर करते हैं, शायद आ जाएं। ये जो है बीच में हमारे नए बच्चे भी आ गए हैं, ये दोनों बच्चे, वो देखें गाइस नीचे उतर आया। ये देखें, अंदर से ये भी खोलते हैं और इसके अंदर लेके जाने की कोशिश करते हैं। कोशिश तो करूँगा कि आ जाए अंदर, और मज़ा बड़ा आ जाएगा। इन्हों को पहले बाहर निकालते हैं, फिर शायद अंदर चले जाए। इधर से दाना पड़ा हुआ है, दाना उठा लिया, देखने बाहर आने लग गए। और है भी वो ऊपर से भूखा, ये देखो सारे आ गए अपने। अब इन्हों को ऐसे ही अंदर लेके जाने की कोशिश करते हैं कि शायद अंदर चले जाए, पहले इधर से खा रहे हैं। वो नहीं, बहुत ही शियार है ये, अपने आप आ गए हैं सारे। अंदर चलेगी। ये देखें, इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, मैं इसे पहले पकड़ लूँ। तो गाइस मैं इसे पकड़ा था कि फिर से बाहर निकला ही है, बहुत ही चलाक है, इसे फिर से बाहर अंदर, अब बाहर से ही पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो गाइस इस टाइम कोई भी नहीं अंदर जा रही, इसे ऐसे ही ना पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये हम जाल भी लेके आए हुए हैं, जाल से पकड़ने की कोशिश करता हूँ, अगर हाथ में आ जाए। वो पहले ही उड़ गई हैं, वो देखें वो चले गई हैं। थोड़ी ही देर इसका इंतज़ार करते हैं, फिर से उतरने लगी है नीचे, ये आ गई नीचे। अब चुपके से जाते हैं, और चुपके से जाके इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उधर दाना भी खत्म हो गया। वो देखें अपने बाइड आ गई, ये बहुत ही अच्छा हो गया, बस अपने ना उड़े ना, फिर हाथ में आ जाएगी, थोड़ा और दरमियान में आ जा। तो गाइस इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये फाइनली गाइस पकड़ लिया, इसने कहा कि ना दोबारा वीडियो स्टार्ट कर। पहले कबूतर मेरे हाथ में आ चुका है, ये देखें ये कबूतर है, और इसे ना पर्पल रंग भी लगा हुआ है। देखें अब जल्दी से वीडियो रख, ये मोबाइल रखता हूँ ना, आपको इसका शो कराता हूँ। इसे इधर रख देते हैं, इस दफ़ा मैं अकेला वीडियो बना रहा हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। सबसे पहले इसकी आंखों का शो कराते हैं, ये देखें कास लग रही है मुझे, ये देखें ये इसकी आँख है, और ये इसके पान है, और ये दूसरी साइड का, ये इसके पान है, और इधर रंग भी लगा हुआ है, ये देखें
पर्पल कलर का रंग लगा है। दूसरी साइड पे ये पुराना बिल्कुल रंग है, ये देखें बिल्कुल पुराना रंग है, किसी ने बहुत ही पुराना रंग लगाया हुआ है। ये इसकी दुम है और ये इसके पंजे हैं, और ये देख प्योर कासद है फुल। अब जल्दी से इसे छोड़ते हैं अंदर और इसके पार कल बांध देंगे, क्योंकि अभी रात का टाइम होने लगा, वैसे भी हम नीचे जाने लगा, तो इसे अंदर छोड़ देते हैं, इसके अंदर छोड़ देते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, ये देखें। कमेंट में कमेंट करके बताना कि आपको ये कबूतरी कैसी लगी है जो हमने पकड़ी है। तो गाइस बकाया आप ये ना समझ रहे होंगे कि मेरे पास कोई मुर्गा नहीं है, मुर्गा वाकई में नहीं मेरे पास है, आपको फिर भी अंदर से दिखा देता हूँ। सारे मेरे अंदर पिंजरे हाल ही हैं, सबसे पहले ये देख लें, उसके बाद ये देखें, इसके अंदर भी हमारे कबूतर गए हुए हैं, और इसके अंदर ना हमने एक मोतियों का जोड़ा रखा है सील का, ये देखें माशाल्लाह ये भी बहुत ही प्यारा है। काफ़ी दिनों तक ये क्रेट आज हमने रखा है, हमने कहा कि इसके अंदर अंडे दे देंगे, और जो हमारा वफादार है, वफादार आपको पता है कि जगह कैसी इस्तेमाल करता है, वो आपको जगह भी दिखाता हूँ। बहुत उसका किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इधर कबूतर है, ये देखें ये इसके अंदर कबूतर है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय बाय। इंशाल्लाह मेरा रेगुलर व्लॉग आएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय।